नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। पीतल नगरी के नाम से अपनी खास पहचान रखने वाले मुरादाबाद में ध्रुवीकरण की राजनीति को हमेशा से तरजीह मिलती रही है। मुरादाबाद में विधानसभा की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला रहा। वहीं इस कांटे की टक्कर को पार कर एक बार फिर यहां रितेश गुप्ता कमल खिलाने में कामयाब रहे। मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि मुरादाबाद जिले की सभी सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। 55-60% वोट मुस्लिम समुदाय के पास है। शायद यही कारण है कि बीजेपी को छोड़ बाकी पार्टियों ने यहां से मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन इसके बावजूद भी एक बार फिर रितेश गुप्ता ने मुरादाबाद शहर सीट पर अपना कब्जा किया और सपा के प्रत्याशी को मात देकर भारी मतों से जीत का परचम लहराया। आपको बता दें कि मुरादाबाद शहर से बीजेपी के रितेश गुप्ता 900 की बढ़त मनाते हुए जीत हासिल कर चुके हैं। साथ ही रितेश गुप्ता की इस जीत के बाद से शहर में उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। सभी एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आने लगे और शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त बहुमत हासिल करती दिखाई दी, लेकिन कुछ जगहों पर सपा का कब्जा रहा, जिनमें मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से एक बार फिर सपा के प्रत्याशी नासिर कुरैशी ने बड़ी जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आने लगे हैं और शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त बहुमत हासिल करती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ जगहों पर सपा का कब्जा है, जिनमें मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से एक बार फिर सपा के प्रत्याशी नासिर कुरैशी ने बड़ी जीत दर्ज की है। नासिर कुरैशी की इस जीत के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। हर कोई जीत का जश्न मनाता नजर आया, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस बार मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट के परिणाम में एक बार फिर सपा ने यहां जीत दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की। काट विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल्य होने के बाद भी 2017 में बीजेपी के प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ चुनू ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए जीत दर्ज करना आसान नहीं था। वहीं इस बार काट सीट पर सपा प्रत्याशी कमल अख्तर ने जीत हासिल की। मुरादाबाद जिले की कांट विधानसभा सीट पर रुझानों में सपा का दबदबा शुरू हो रहा है। वहीं एसपी प्रत्याशी कमाल अख्तर ने कांट सीट पर अपनी जीत का परचम लहराया है। साथ ही उनकी जीत के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, साथ ही लोग जश्न मनाते नजर आए। आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद की कांट विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य सीट के तौर पर जानी जाती है, जिनकी संख्या अनुमानित तौर पर 1.5 लाख के करीब मानी जाती है। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने इस सीट से कमाल अख्तर को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांट विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम लोगों पे जताया, मेरा प्रयास रहेगा कि उनकी सेवा कर उनके काम आकर उनके विश्वास पे खरा उतारने का पूरा प्रयास करूँगा। और जहाँ तक सवाल है तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि अभी तक काउंटिंग बहुत सारी जगह पूरी नहीं हुई है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो भी जनादेश देगी, यदि हमें सत्ता का जनादेश देगी तो सत्ता में रहकर जो अखिलेश जी ने अपना मैनिफेस्टो के अंदर कहा उस पर काम कर जनता की सेवा करेंगे। यदि विपक्ष में बैठने का जनता का आदेश होगा तो विपक्ष में बैठकर जो भी सरकार के जनता के विरोध के काम होंगे उनका पुरजोर विरोध करेंगे और अपने इलाके का, अपने शहर का, अपने गाँव का विकास कराकर जनता का पूरा एहसान उतारने का प्रयास। मेहनत करने के बाद जो है सरकार नहीं बना पा रहा है, क्या वजह है सर? नहीं, अभी कौन कहता है सरकार नहीं बनी, अभी तो 2 घंटे इंतजार करो ना। 93 सीट ऐसी हैं जिनका अभी 500 से 1000 के नीचे अंतर चल रहा है, तो अभी तो कुछ भी हो सकता है। अभी अब मीडिया का जहाँ तक सवाल है तो अभी मैं 40,000 से आगे चल रहा था तो मीडिया मुझे पीछे दिखा रही थी, तो अभी मीडिया में विश्वास मत करो। फिलहाल रिजल्ट आने तो 2 घंटे बाद पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी क्या होने जा रहा है। मुरादाबाद की 6 सीटों का भी ब्यौरा आना शुरू हो गया। वहीं मुरादाबाद जिले की बिलारी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2017 में समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी, साथ ही इस बार भी बिलारी सीट पर नतीजे सामने आए और सपा के मोहम्मद फहीम ने अपनी जीत का परचम लहराया।
मुरादाबाद की 6 सीटों का भी ब्यौरा आना शुरू हो गया है। मुरादाबाद जिले की बिलारी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। 2017 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, साथ ही इस बार भी बिलारी सीट पर नतीजे सामने आए और सपा के मोहम्मद फहीम ने अपनी जीत का परचम लहराया। साथ ही उनकी जीत के बाद उनके समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया और वे जीत का जश्न मनाते नजर आए। आपको बता दें कि 2017 में समाजवादी पार्टी से मोहम्मद फहीम ने भारतीय जनता पार्टी के सुरेश सैनी को 13,441 वोटों के मार्जिन से हराया। बिलारी विधानसभा सीट संभल के अंतर्गत आती है। 4 वोटों से जीती है बिलारी विधानसभा। भाईचारा जीता है। ताना शाहों को हरा करके आया हूँ। जो लोग समझते थे कि यहाँ पर हमें नहीं जीतने देंगे, लेकिन आवाम की मोहब्बत, उनका आशीर्वाद और उनकी दुआएं, मंदिरों में भी दुआएं हुई, मस्जिदों में भी दुआएं हुई है मेरे लिए, और मैं हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का प्रतीक आपके सामने खड़ा हूँ। और मैं जो विजयी बना हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरपरस्ती में, आज मेरे अब्बू जी की बरसी भी है। 10 मार्च 2016 को आज ही के दिन मेरे अब्बू जी इस दुनिया से चले गए थे। आज उनके जाने के बाद 6 साल के बाद लोगों ने मुझे खराज अकीदत और श्रद्धांजलि से नवाजा है। मुझे आज गम के साथ साथ खुशी भी है और गम भी है, लेकिन मैं अपने वालिद साहब को याद करते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी का मकसद लोगों की खिदमत करना है। मैंने खिदमत की है, मेरे वालिद साहब ने खिदमत की है, तभी तो आज मुझे जनता ने इस तरीके से जिता कर भेजा है, 3री बार जिता कर भेजा है। क्रिकेट की लैंग्वेज में कहा जाए तो हैट्रिक मारने का काम अगर मैंने किया है तो आवाम की दुआओं से, उनकी मोहब्बत से किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा मकसद रहेगा कि मैं खिदमत करूँ। मैं लगभग 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत के आया हूँ। कितने वोटों से? 10,000 के करीब वोटों से जीत के आया हूँ। मेरे साथ आवाम का प्यार है वो ऐसी सलामत रहे और आशीर्वाद सलामत रहे। मेरा मकसद है आवाम को खिदमत करना, आवाम की सेवा करना और अपनी विधानसभा बिलारी को आदर्श विधानसभा बनाना। ठाकुरद्वारा सीट पर सपा प्रत्याशी नवाब जान ने इस चुनावी दंगल में जीत दर्ज कर विजय प्राप्त की और एक बार फिर सपा ने इस सीट पर अपना कब्जा किया। मुरादाबाद जिले के अंतर्गत आने वाली ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों की अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। इस बार ठाकुरद्वारा सीट पर सपा प्रत्याशी नवाब जान ने इस चुनावी दंगल में जीत दर्ज कर विजय प्राप्त की और एक बार फिर सपा ने इस सीट पर अपना कब्जा करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि नवाब जान सपा के टिकट पर यहां से अभी विधायक हैं, जबकि भाजपा ने इस बार अजय प्रताप सिंह को उतारा है। वहीं सपा प्रत्याशी नवाब जान की जीत के बाद उनके समर्थकों में खुशी है। सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। ठाकुरद्वारा की जनता का धन्यवाद करता हूँ। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का जो मुझ पर भरोसा जताया उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं हमेशा समाजवादी पार्टी का एक सिपाही की हैसियत से काम करता हूँ। मेरे नेता हमसे स्नेह प्यार करते हैं और 2.5 साल का जो विकास अखिलेश जी की सरकार में ठाकुरद्वारा में हुआ था, उसी विकास का ये मुझे आशिला लगातार वहाँ की जनता दे रही है। इसलिए मैं ठाकुरद्वारा की आवाम का और अपने राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी का कोटि कोटि दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मुरादाबाद जिले की कुंदर की विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। सपा ने सीट पर अपने विधायक मोहम्मद रिजवान का टिकट काटकर जियाउर रहमान को उतारा था। वहीं इस सीट पर जियाउर रहमान ने अपनी जीत दर्ज कर भरोसा जताया। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। सपा ने इस सीट को अपने विधायक मोहम्मद रिजवान का टिकट काटकर जियाउर रहमान को उतारा था। वहीं इस सीट पर जियाउर रहमान अपनी जीत का परचम लहराने में सफल रहे। वहीं उनकी जीत के बाद उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि कुंदरकी सीट पर सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान और बीजेपी उम्मीदवार कमल कुमार की बीच टक्कर देखने को मिली। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में कुंदरकी सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान ने भाजपा के रामवीर सिंह को हराया था। करीब 44,000 वोटों से मैं जीता हूं और अल्लाह का करम है कि ये जीत मैं जानता हूँ कि कोई मामला नहीं है। विधानसभा के अंदर इतने वोटों से जीतना एक अहम मुकाम रखता है। अच्छा, कैसी फाइट रही है आपकी? हम तो जिस दिन से टिकट हुआ था उसी दिन, जिस दिन मैं अपने कुंदर की विधानसभा के अंदर मैंने कदम रखा था लखनऊ से आने के बाद, खवड़िया शरीफ दरगाह पर मैंने हाजिरी दी थी, तो उसी टाइम लोगों का एक सैलाब था, तभी मैंने अंदाजा लगा लिया था कि इंशाल्लाह जो हमारी जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी और अल्लाह के करम से उसी तरह से आज ऐतिहासिक जीत हुई है। और मैं समझता हूँ आज तक शायद कुंदर की विधानसभा में इतने वोटों से अब तक कोई ने शायद चुनाव नहीं जीता। ठीक है। मुरादाबाद में विधानसभा चुनाव मतगणना को लेकर मुरादाबाद पुलिस ने 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था को लागू किया था, जिसमें आइसोलेशन इनर और आउटडोर कार्ड की सुरक्षा व्यवस्था को लगाया गया।
मुरादाबाद में विधानसभा चुनाव मतगणना को लेकर मुरादाबाद पुलिस ने 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था को लागू किया है, जिसमें आइसोलेशन इनर और आउटर कार्ड की सुरक्षा व्यवस्था को लगाया गया है, जिसमें 1000 पुलिसकर्मियों के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और 3 कंपनी पीएसी को भी लगाया गया है। साथ ही साथ जिले में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरे इलाके में पूरे दिन भ्रमण करते रहें। वहीं जीतने वाले प्रत्याशी को टीमों द्वारा उनके घर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ किसी को भी विनिंग जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है। वहीं जानकारी देते हुए एसएसपी बबलू कुमार ने क्या कुछ कहा, जरा भी सुनिए। देखिए, काउंटिंग हमारी मंडी स्थल पर है और यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने 3 लेयर में की है, आइसोलेशन, इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन में। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 1000 पुलिसकर्मी जो है पूरी व्यवस्था में तैनात हैं, जिसमें हमें 3 कंपनी CPMF और 4 प्लाटून PAC अतिरिक्त हमें मिले हैं, जिनका हमने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारे जो सर्किल ऑफिसर है, एडिशनल SP हैं, और RTC की हमें जो है करीब 250 जो रिक्रूट हैं उनको भी उपयोग करने की अनुमति मिली है। इन सभी को हम लोगों ने डिप्लॉय कराया हुआ है। जो हमारे संवेदनशील जिले के विभिन्न क्षेत्र हैं, वहाँ के थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी को पर्याप्त पुलिस बल के साथ भ्रमण के लिए लगाया हुआ, ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने पाए। और जैसा कि मतगणना मॉर्निंग से प्रारंभ है, सभी लोग अलर्ट मोड पर हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चेकिंग फ्रिस्किंग करने के उपरांत ही प्रत्येक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और ये सभी हमारे कांस्टेबल्स और पुलिसकर्मी को ब्रीफ कर दिया गया है। देखिए, माननीय आयोग का निर्देश है कि कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाली जाएगी, और इसलिए हमने 6 टीमें अपनी लगाई हैं कि हर एक विनिंग कैंडिडेट को जो सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरांत जो है उनको घर तक छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ हमारी 6 टीमें और लगी हुई हैं, जो सेकंड लूजिंग कैंडिडेट है उनको भी वहाँ से ले जाकर उनके घर तक छोड़ दिया जाएगा। बाकी हमारी फोर्सेज जो है मोबाइल पार्टी के तौर पे काफ़ी संख्या में क्षेत्र में भ्रमणशील है कि कोई दिक्कत कहीं भी किसी क्षेत्र में न होने पाए। फारा चौक के सामने स्टेशन रोड की ओर से जाने वाली सड़क पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अनियंत्रित होकर नाले में जा फंसा। फब्बारा चौक के समीप रेलवे स्टेशन की ओर से जाने वाली सड़क पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक ट्रक अनियंत्रित होकर नाली में जा फंसा। हादसे में ट्रक व नाला दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। रात के करीब 11 बजे यह हादसा हुआ। उस वक्त लोगों की चहल पहल नहीं के बराबर होने के कारण लोग बाल बाल बच गए। घटना करीब रात के 11 बजे के पास हुई है। हादसे में मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं करीब लाखों के नुकसान की बात निकलकर आ रही है। बताते चले कि ट्रक लदा हुआ है और गुल्ला टूटने के बाद यह घटना होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि नाले में ट्रक का अगला सिरा पूरा घुस गया। यदि अधिक अनियंत्रित होती तो घर को क्षतिग्रस्त कर सकता था। हालांकि दुर्घटना के बाद ट्रक के चालक तथा उपचालक मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सुबह तक पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते ट्रक भी सड़क पर पड़ा रहा। पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी खड़ी होने के चलते ट्रेन के नीचे अपनी जान जोखिम में डालते हुए यात्रियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो। ये रास्ता बंद करवाओगे तो न्यूज़ निकाल के आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि खड़ी ट्रेन के नीचे के यात्री जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। अगर खड़ी ट्रेन चलती है और कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? पूरा वीडियो सामने आ जाने के चलते रेलवे विभाग की पोल खुलती नजर आ रही है और बड़ी लापरवाही सामने आई है। पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के दलपतपुर बनी रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी ट्रेन पटरी पर खड़ी थी, जिसके चलते यात्रियों को काफी समय से ट्रेन खड़ी होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसमें यात्रियों ने अपनी जान जोखिम में डाल ट्रेन के नीचे और डब्बे के जोन से गुजरना शुरू कर दिया। ट्रेन के नीचे यात्रियों को निकलता देखकर पास के व्यक्ति ने पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि खड़ी मालगाड़ी ट्रेन के नीचे से किस तरह जान जोखिम में डालकर ग्रामीण यात्री निकल रहे हैं, जिसमें रेलवे प्रशासन पर ये वीडियो सवाल खड़े करता है और रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है।
ट्रेन अगर चलती है तो और कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वहाँ से गुजर रहे यात्रियों का कहना है कि यहाँ से आधा दर्जन से ज्यादा गांवों को रेलवे क्रॉसिंग पार करना पड़ता है और जान जोखिम में डालकर ग्रामीण और यात्री यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं। ग्रामीणों ने कई बार अंडरग्राउंड ब्रिज की मांग की, लेकिन कोई भी सरकार या प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसमें ट्रेन पटरी पर आकर खड़ी हो जाती है और यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर बमुश्किल ट्रेन से नीचे होकर गुजरकर अपना सफर तय करते हैं। जी, ये अभी तो ट्रेन निकली है अभी और एक और पीछे आ रही है, अभी 2 मिनट ही हुई ट्रेन निकलो हुए। यहाँ हमारे भाई बहन, गाँव के बच्चे और स्कूल से सुबह को बच्चे आते हैं छोटे छोटे, उन्हें बहुत परेशानी पड़ती है। कोई भी इस बात का जुम्मा उठाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम तो बस यही चाहते हैं कि ब्रिज बनना चाहिए, बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ब्रिज बनना चाहिए। 2-2 घंटे जाम लग जाता है, ट्रेन आके खड़ी हो जाती है, लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, ट्रेन के नीचे से गुजरता पूरा वीडियो सामने आ जाने से रेलवे विभाग पोल खोल रहे हैं और अगर यह हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार रेलवे विभाग ही होगा। मुंडापांडी क्षेत्र के दर्जनों गांवों में चल रहे अवैध खनन के धंधे से परेशान होकर क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी से लिखित में शिकायत दर्ज कर अवैध खनन को बंद कराने की गुहार लगाई। थाना मुंडापांडी क्षेत्र के दर्जनों गांव में चल रहे अवैध खनन से परेशान होकर क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी से लिखित में शिकायत देकर अवैध खनन बंद कराने की गुहार लगाई थी, जिस पर मुरादाबाद जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने संज्ञान लेते हुए एक टीम गठित की और जिस जगह भी मुंडापांडी में अवैध खनन चल रहा था वहां पहुंचकर मौका मुआयना किया। जब अवैध खनन करने वालों के बारे में जानकारी की तब खनन अधिकारी आरबी सिंह ने बताया कि मुंडापांडी थाना क्षेत्र में सिर्फ एक ही परमिशन है और किसी की कोई भी परमिशन नहीं है। अगर कोई भी अवैध खनन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो दूसरी ओर मुंडापांडी राजेंद्र सिंह इंटर कॉलेज के सामने खाली पड़ी ग्राम सभा की जमीन में बन रहे खेल के मैदान पर भराव कार्य चल रहा था, जिसकी शिकायत राशिद अली पुत्र मोहम्मद जान ने शिकायत की थी, जिस पर आरबी सिंह खनन अधिकारी ने बताया कि इस खेल के मैदान पर मिट्टी डालने की परमिशन का समय निकल चुका है, जिसका मिट्टी कार्य का भराव परमिशन होने के बाद ही भराव कार्य हो सकेगा, जब तक के लिए खेल के मैदान का भराव कार्य बंद रहेगा। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में जहां चुनाव ड्यूटी के बाद थाने में बड़ा खाना का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद के सभी क्षेत्र अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान एक दरोगा ने जमकर डांस किया। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह वर्दी में ठुमके लगाते हुए दरोगा जी कैमरे में कैद हो गए। दरअसल पूरा मामला मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र का है, जहां चुनावी ड्यूटी के बाद थाने में बड़ा खाना का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद के सभी क्षेत्र अधिकारी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस मौके पर थाने को फूलों से सजा दिया गया था और इस महफिल में रंग जमाने के लिए ऑर्केस्ट्रा सिंगर को भी बुलाया गया था। गानों की महफिल चल रही थी, क्षेत्राधिकारी हाथों में माइक थामे गाना गुनगुना रहे थे, तभी थाना कटघर में तैनात दरोगा जी गानों की धुन पर झूम उठे और जमकर ठुमके लगाए। आरएसजी एकेडमी में राष्ट्रीय सेवा योजना की विभिन्न इकाइयों के छात्र व छात्राओं का 7 दिवसीय शिविर चल रहा था, जिसका आज तीसरा दिन है, जिसमें स्वयं सेवक व सेविकाओं ने गाँव गाँव जाकर जन जन को रैली के माध्यम से जागरूक किया। आरएसजी एकेडमी में विभिन्न इकाइयों के छात्र छात्राओं का 7 दिवसीय शिविर चल रहा था, जिसका आज तीसरा दिन है, जिसमें स्वयंसेवक और सेविकाओं ने गांव हमीरपुर में जाकर जन जन को रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही सभी गांव वालों से सर्वे के दौरान पता किया कि सभी के वैक्सीन लग गई है, तत्पश्चात आने वाले चुनाव के परिणाम के बारे में पता करते हुए पूछे जाने पर नई सरकार से आप क्या क्या उम्मीदें रखते हैं सभी के विचार सुने, जिसमें उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से बताया कि उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो उनकी समस्याओं को स्वयं की समस्या समझे, देश की प्रगति के लिए अपना पूर्ण योगदान दे। प्राचार्य डॉक्टर संजय मेहरोत्रा व गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीके पाल के संरक्षण में गांव-गांव रैली निकालकर जागरूक किया गया। अंत में सभी स्वयंसेवक आरएसडी एकेडमी के प्रांगण में वापस आए, जहां आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार व डॉक्टर जी कुमार ने उनके द्वारा किए गए सर्वे की पूर्ण आख्या ली। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्रुति गोयल, कुमारी सुखरानी, अभिलाषा भरद्वाज, कमलाक्षी अरोड़ा, रोहित, निकिता, आकाश आदि का सहयोग रहा।
फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।